for HS first year and second year commerce tuition and become tuition, you can contact with me in this number 6001601899. So welcome students to another न्यू वीडियो. सो फाइनली आसाम यूनिवर्सिटी के तरफ से हमारे टी डी सी सी बी सी एस के जो ऑटसम के एग्जाम जो कि 25 नवंबर से स्टार्ट हो रही है. सो उसके फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस कल पब्लिश्ड हो गई है. सो कल वीडियो दे नहीं पाया था कुछ पार्सल प्रॉब्लम की वजह से. सो आज के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर करेंगे और साथ में डिस्कस भी करेंगे कौन कौन स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाएंगे, जो बैक पेपर के स्टूडेंट्स है इस बार कौन कौन स्टूडेंट्स सी बी सी एस के एग्जाम्स दे पाएंगे. सो आप लोगों को क्या करना है वीडियो में एंड तक. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो फॉर्म फिलअप के नोटिसेस आए उसमें जो प्री एग्जामिनेशन इवेंट्स के डेट्स यहाँ पे पब्लिश्ड किए हुए हैं. पहले प्री इवेंट्स के जो डेट्स आए थे तो वहाँ पे मेंशन किए गए थे कि 6 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में फॉर्म फिलअप होंगे. मैंने आप लोगों को वीडियो बना के भी इन्फॉर्मेशन दिए थे. सो अभी फाइनली वो कन्फर्म डेट्स आ चुकी है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग. सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो जो पॉइंट नंबर 1 पे प्री एग्जामिनेशन इवेंट्स में लिखे हुए हैं एनरोलमेंट एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑफ टीडीसी सीबीसीएस एग्जामिनेशन नवंबर 2024. सो डेट ओपनिंग हो रहे 7 नवंबर से जो कि कल है और 13 नवंबर को एंड होंगे फॉर्म फिलअप के डेट्स. सो 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओगे ऑटसम एग्जाम्स के लिए. सो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपके जो स्टूडेंट्स लॉगिन है लॉगिन के थ्रू जाना होगा, जाके एग्जामिनेशन के जो सेक्शंस होंगे वहां पे जाके आपको पेमेंट पे करना होगा. बैक पेपर से अगर होगा तो बैक पेपर का भी नीचे ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करना होगा. सिलेक्ट करके जो टोटल पेमेंट्स होंगे वो पेमेंट्स आपको पे करने होंगे. अब एक क्वेश्चन आएगा पेमेंट कितना हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन दिए थे कि रेगुलर जो फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं उनका पेमेंट कितना होगा और थर्ड और फर्स्ट सेम में अगर बैक लगा हुआ है तो उनका पेमेंट कितना होगा. उस वीडियो को आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना. इस वीडियो का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूंगा, आप लोग एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. उसके बाद जो आपके हॉल टिकट्स होंगे, हॉल टिकट्स 22 नवंबर को जनरेट हो जाएंगे. आपके जो स्टूडेंट्स लॉगिन होंगे वहां पे आपको हॉल टिकट्स या एडमिट कार्ड सबको मिल जाएंगे. वहां से डाउनलोड करना होगा हॉल टिकट्स, फिर प्रिंट आउट करना होगा. और 25 से तो एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो एग्जाम में जब आप जाओगे तो हॉल टिकट्स या एडमिट कार्ड लेके आपको एग्जाम में जाना होगा. अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कौन कौन स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाओगे, कौन कौन से ईयर के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाओगे. 2018-19 और 19-20 के जो स्टूडेंट्स से स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका फिफ्थ ईयर कंप्लीट हो चुका है. मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है और स्पेशल चांस को लेके तो रेस्ट्रिक्शंस के रिगार्डिंग इस नोटिस में अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. ठीक है, सो 2020-21 से जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग तो दे पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 18-19 एंड 19-20 का थोड़ा इश्यूज है. तो 19-20 भी एग्जाम दे पाएंगे क्योंकि उनका लास्ट स्पेशल चांस होगा. सो आप लोग जब कल फॉर्म फिलअप करने जाओगे आप लोग चेक कर पाओगे. अगर रेस्ट्रिक्टेड होते देन आपको मतलब रेस्ट्रिक्शन दे दी गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन फॉर्म में ऐसे कोई भी मेंशन नहीं किए हुए हैं. सो होपफुली आप लोगों को भी चांस मिलेंगे. सो ऐसे फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगे ऐसे मैं आप लोगों को शेयर करता रहूंगा. वीडियो अच्छा लगे से वीडियो को एक लाइक एंड फ्रेंड्स तक शेयर कर देना ताकि उनको भी कंप्लीट अपडेट्स मिले. एंड याद करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर देना, डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया हुआ है. बाकी कुछ डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी भी है, फॉलो कर देना. फॉलो करके आप लोग डीएम भी कर सकते हो. सो ऐसे आप इसके स्टूडेंट मैसेज बने चैनल के साथ जुड़े. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी.